अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में इस बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। लच्छा पराठा इसके पहले मैंने बनाना बताया है अपने चैनल पर, उसकी रेसिपी आप देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ स्टफ़ किया हुआ लच्छा पराठा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा और सब्जियों से भरा पूरा बहुत ही क्रंची और टेस्टी बनेगा ये। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 कप के बराबर गेहूँ का आटा, आप चाहें तो इसमें आधा मैदा भी मिलाकर ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ गेहूँ का आटा यूज़ किया है और अब इसमें डाल दिया है मैंने तेल और नमक स्वाद अनुसार। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर पानी की सहायता से नरम आटा गूंथ कर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए आटा एकदम तैयार हो गया है। हल्का सा तेल लगाकर इसे ग्रीस कर लेने से पूरा का पूरा आटा अच्छे से तैयार हो जाएगा और फिर इसे मैं सेट होने के लिए रख दूंगी। तब तक चलिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप के बराबर एकदम पतले स्लाइसेस में कटा हुआ प्याज लिया है और पतले स्लाइसेस में कटा हुआ शिमला मिर्च, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो चॉपर था मेरे पास उसमें जो सबसे पतली ब्लेड थी उसे यूज़ किया है और अब इनको मैं एक मिक्सिंग बोल में ले लूँगी। फिर इसमें डाल देना है चाट मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, काले मिर्च का पाउडर, धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ ढेर सारा मैंने यहाँ ले लिया है। फिर डाल दूँगी इसमें मैं गरम मसाला, चाट मसाला डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। फिलहाल मैंने यहाँ पर नमक नहीं डाला है क्योंकि कच्ची सब्जियाँ हैं, खासतौर पर प्याज, नमक डालते ही तुरंत पानी छूटने लगेगा तो नमक एकदम आखिर में डालना है। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके सारी चीज़ें तैयार कर लूँगी, फिर नमक डालकर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टफिंग बनकर तैयार हो गया है। चलिए पराठा बनाना शुरू करते हैं। पराठा बनाने के लिए लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। तो जितने साइज़ की लोई हम रोटी के लिए लेते हैं बिल्कुल थोड़ा सा उससे बड़ा लें और फिर इनको बेलना शुरू करना है। तो एक लोई को बेल लें, थोड़ा सा मोटा ही रखें, एकदम पूरा इसे ना फैलाएं और इसी तरीके से दूसरी लोई को भी बेलकर तैयार कर लेना है। अब स्टफिंग भरने के लिए इस तरह से एक बेली हुई रोटी के ऊपर स्टफिंग को अच्छे से फैला लें, अच्छी सी परत इसकी लगाएं, बहुत ज़्यादा कम भी ना हो इस बात का ध्यान रखें। तो स्टफिंग इतनी हो कि इसका पूरा फ्लेवर पराठे में आए इस बात का ध्यान रखें। तो ये देखिए यहाँ पर मैं अच्छी मात्रा में सब्जियों की एक लेयर इस रोटी के ऊपर सेट कर लूँगी। इसे सेट कर लेने के बाद अब दूसरी रोटी को लेकर इसके ऊपर कवर करके अच्छे से चिपका लेना है। पतला पतला कटे होने की वजह से ये सब्जियां अच्छे से रोटी में चिपक जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर तो ऊपर से मैंने कवर कर लिया है, इसे अच्छे तरीके से दबाकर सील कर लें। अब इस रोटी के ऊपर थोड़ा सा तेल डालकर फैला लेना है और इसे आटे से डस्ट कर लें थोड़ा सा, जिस तरह से हम लच्छा पराठा के लिए करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से, और फिर इसे फोल्ड करना शुरू करेंगे। बिल्कुल लच्छा पराठा की तरह ही फोल्ड करना है इसे, तभी तो लच्छा पराठा बनेगा अलग अलग लेयर्स में। यहाँ पर आप देखिए लच्छा पराठा को मैंने मोड़ लेने के बाद थोड़ा सा और फैला लिया है लंबाई में और अब इसे गोल घुमाते हुए सील कर लें। दूसरे किनारे को बीचों बीच लाकर अच्छी तरीके से पैक कर लें और अब यहाँ पर ये देखिए इसे हाथों से दबाकर इस तरह से फैलाना शुरू करना है। थोड़ा सा इसे इस तरह से दबाकर फैला लेने से स्टफिंग अचानक से बाहर नहीं आएगी। और ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फैला लेने के बाद इसे फिर से थोड़ा सा डस्ट करके बेलन की सहायता से एकदम हल्के हाथों से थोड़ा सा बेल लें जिससे कि ये थोड़ा सा पतला हो जाए। तो यहाँ पर ये देखिए एक पराठा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से मैं दूसरा पराठा आपको दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पर इसे इस तरह से फोल्ड करें और फिर लंबाई में इसे थोड़ा सा और दबाकर फैला लें। थोड़ा सा दबा लेने से सब्जियाँ भी अच्छे से सेट हो जाएंगी अंदर से और बाहर निकलेंगी नहीं। और इसके बाद इसे गोल घुमाते हुए बीचों बीच सील कर लेना है। फिर अच्छी तरीके से डस्ट करके हाथों से फैलाकर इसे शेप दे लें और फिर हल्का सा डस्ट करके बेलन से हल्के हाथों से एकदम थोड़ा सा और बेल लें जिससे कि अंदर से भी सब्जियां अच्छे से सेट हो जाएंगी और एक यूनिफॉर्म थिकनेस मिल जाएगी पराठे को। पराठे को बेल लेने के बाद अब गर्म तवे पर इसे मीडियम आंच पर सेकना है। मीडियम आंच पर इसे अच्छा सुनहरा होने तक सेक लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर एक पराठे को मैंने तवे पर डाल दिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके तेल डालना है, एक साथ बहुत ज़्यादा तेल ना डालें नहीं तो तुरंत ही ये काफ़ी ज़्यादा तेल अब्जॉर्ब कर लेगा। थोड़ा थोड़ा करके तेल डालें जिससे कि ये अच्छा सा क्रिस्पी भी होने लगेगा। यहाँ पर ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके तेल मैंने डाला है और इसे पलट पलट कर सेकते रहना है। स्पैचुला की सहायता से इसे इस तरह से दबा दबा कर सेकें जिससे कि ये अच्छे से अंदर से भी पक जाए
और ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा सुनहरा होने लगा है। मीडियम आंच पर इसे पकाने से ये अंदर से भी अच्छे से पक जाएगा, बिल्कुल कच्चा नहीं रहेगा। मीडियम आंच पर पकाने से इसमें अच्छी सी क्रिस्पीनेस भी आएगी, तो इसीलिए एकदम तेज़ आंच पर इसे बिल्कुल ना पकाएं। ये देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा रंग आने लगा है और बहुत ही टेम्पटिंग दिख रहा है ये लच्छा पराठा स्टफ़ किया हुआ सब्जियों से। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा जो पराठा है वो बन के तैयार हो गया है। इसे गर्मा गर्म आप मीठी दही या टोमेटो सॉस के साथ या अपनी किसी भी पसंद की चटनी के साथ सर्व करें। बहुत ही टेस्टी और क्रंची बना है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका टेक्सचर। तो यहाँ पर ये देखिए कितना टेम्पटिंग दिख रहा है ये। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ, कितना फ्लेकी और क्रंची बना है ये। इस समय ये काफ़ी गर्म है आप देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन इसका जो फ्लेकीनेस है, जो कुरकुरापन है, गरम पराठे में ही ज़्यादा अच्छे से पता चलता है। ये देखिए यहाँ पर अंदर से सब्जियाँ भरी हैं, बहुत ही टेम्पटिंग और टेस्टी बना है ये। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।